टुडे टॉपिक इज़ पाइथन। पाइथन में आपको इनपुट फंक्शन में आपको बताने वाला हूँ इनपुट फंक्शन क्या होता है। व्हाट इज़ इनपुट फंक्शन? द इनपुट फंक्शन इज़ यूज टू एक्सेप्ट ए वैल्यू फॉर ए वेरिएबल फ्रॉम द यूज़र। इफ़ द यूज़र डिफाइंड वेरिएबल विद डाटा टाइप सच एज इंटीजर और फ्लोट्स, इन सच ए केस इनपुट फंक्शन इज़ यूज टू इनपुट इंटीजर एंड फ्लोट वैल्यू फॉर द डिफाइंड वेरिएबल। इनपुट फंक्शन की यूज करके क्या कर सकते हैं, आप वेरिएबल में वैल्यू स्टोर करवा सकते हैं यूज़र के द्वारा। इफ़ द यूज़र डिफाइंड वेरिएबल विथ ए डाटा टाइप सच एज इंटीजर और फ्लॉट, आप क्या यूज़र डिफाइन कर सकता है एक वेरिएबल में डाटा टाइप इंटीजर और फ्लॉट। अगर इंटीजर करते हैं, अगर आप इंटीजर वैल्यू डिफाइन करते हैं तो आपको नंबर इनपुट करना है या तो पॉजिटिव या तो निगेटिव। अगर फ्लॉट आप डिफाइन करते हैं वेरिएबल में तो आप डेसिमल नंबर इस तरह का इनपुट कर सकते हैं, जैसे यहाँ पे बताएंगे आगे एग्जांपल में। इन सच ए केस इनपुट फंक्शन यूज टू इनपुट इंटीजर और फ्लॉट वैल्यू फॉर द डिफाइंड वेरिएबल। इसलिए क्या करते हैं इनपुट फंक्शन में, जब आप इनपुट फंक्शन का यूज़ करेंगे तो आप इंटीजर वैल्यू और फ्लॉट वैल्यू को डिफाइन कर सकते हैं वेरिएबल के अंदर। अब एग्जांपल के थ्रू समझेंगे कि इनपुट फंक्शन को किस तरह से प्रोग्राम के अंदर यूज करेंगे ये तो आप देखेंगे कि इस एग्जाम्पल में सबसे पहले आप क्या करेंगे, एक वेरिएबल लेंगे, वेरिएबल को इक्वल, वेरिएबल के बाद इक्वल करेंगे इंटीजर, इंटीजर हो गया, इंटीजर को शॉर्ट में INT आपको लिखना है। उसके बाद इनपुट जो है यहाँ पे इनपुट लिखेंगे, उसके बाद पैरेंथेसिस ब्रैकेट देंगे और ओपनिंग पैरेंथेसिस ब्रैकेट देंगे और इन्वर्टेड कॉमा के अंदर लिखें इंटर द वैल्यू ऑफ ए। यहाँ पे जो वैल्यू लिखा हुआ है ये आउटपुट इस तरह से डिस्प्ले होगा। यहाँ पे देखिए जब रन करवाएंगे प्रोग्राम, हमारी सपोज रन करवा रहे हैं तो यहाँ पे इस तरह से डिस्प्ले होगा जैसे इन्वर्टेड कॉमा के अंदर लिखा हुआ है। अब क्या बोले, अब यूज़र क्या करेंगे, इंटर द वैल्यू ऑफ ए, एक वैल्यू जैसे इंसर्ट करेंगे तो देखिए यहाँ पे आउटपुट आएगा इस तरह से 12, मतलब 12 किस में स्टोर हो गया, ए में। अब यहाँ पे देखिए बी इज इक्वल टू फ्लॉट इनपुट इंटर द वैल्यू ऑफ बी, इंटर द वैल्यू ऑफ बी। अब यहाँ पे देखें, यहाँ पे जो फ्लॉट डिफाइन किया गया, ये फ्लॉट डिफाइन किया है, इससे ये पता चलता है कि आप जो वैल्यू इनपुट कराएंगे वो डेसिमल में करा सकते हैं, 2.5 इस तरह से वैल्यू को इनपुट कर सकते हैं। यहाँ पे इस तरह से दिया इंटर द वैल्यू ऑफ बी 10.5। अब ये देखेंगे आप, यहाँ पे एक वेरिएबल लिया गया नेम, अब इसमें इनपुट करा रहे नेम, इंटर योर नेम, इंटर योर नेम, इनपुट कौन सा कराना है, इंटर योर नेम। यहाँ पे नंबर देखिए, आप देखेंगे यहाँ पे नंबर इनपुट कराए, यहाँ पे डेसिमल नंबर इनपुट कराए। अब यहाँ पे जो इनपुट करवा रहे हैं यहाँ पे, तो वो स्ट्रिंग एज ए स्ट्रिंग वैल्यू इनपुट करा रहे हैं, तो यहाँ पे जब स्ट्रिंग वैल्यू इनपुट कराएंगे जैसे नेम या आपका एड्रेस, ये सब जो होता है वैल्यू, ये सब जो होता है वो स्ट्रिंग होता है, तो यहाँ पे आप जब स्ट्रिंग इनपुट करवाएंगे तो इंटीजर और फ्लॉट लिखने की ज़रूरत नहीं है, इंटीजर फ्लॉट वैल्यू लिखने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे नेम है आपका, आप जब नेम इंटर करेंगे, जैसे यहाँ पे इंटर योर नेम किए और इंटर नेम इस जो जैसे इंटर योर नेम टाइप करते हैं तो आप इंटर नाम करते थे मानी सपोजर सना खान लिखा, तो आपको जो वैल्यू है सना खान वो किस में स्टोर हो गया, ये नेम में स्टोर हो गया। और आगे जाकर इस तरह का वैल्यू जो है ये आप ये दोनों वैल्यू को अगर इनपुट कराते, अगर आप किसी प्रोग्राम इस तरह से लिखते हैं और उसके बाद एस इजिकल टू ए प्लस बी लिख देते हैं तो क्या होता है, दोनों का वैल्यू एस में स्टोर हो जाएगा। प्रिंट जब कराना हो तो एस को प्रिंट करा सकते हैं इस तरह से। तो इनपुट फंक्शन का जो यूज किया जाता है, मेनली जो यूज किया जाता है वो वैल्यू को वेरिएबल में स्टोर करने के लिए। और यहाँ पे जो इंटीजर डाटा टाइप और फ्लोट डाटा टाइप दिया हुआ है वो डिफाइन करता है कि आपका वैल्यू जो इनपुट हो रहा है वो या तो इंटीजर होगा या तो फ्लोट होगा, ये इंडिकेट कर रहा है। अगर आप नाम इंटर कराना चाहते हैं तो नाम इंटर कराने के लिए इंटीजर और फ्लोट लिखने के लिए यहाँ पे ज़रूरत नहीं है। मान लीजिए एड्रेस ही इंटर कराना चाहते हैं, जैसे इंटर योर एड्रेस अगर कर दें तो यहाँ पे इंटीजर और फ्लॉट लिखने की ज़रूरत नहीं है। डायरेक्ट क्या हो सकता है, जब जैसे ही आप नाम टाइप कर रहे हैं जो नेम वेरिएबल के अंदर क्या होगा, आपका नाम इंटर हो जाएगा, सेव हो जाएगा, तो इस ये डिफाइन हो जाएगा। तो जब आपको प्रिंट कराना होगा नेम को तो यहाँ पे प्रिंट और यहाँ पे नेम वाला नेम लिख देंगे ये वेरिएबल जो आप यहाँ पे लिखे वेरिएबल, इस तरह से प्रिंट करा सकते हैं नेम को। और वैल्यू प्रिंट कराना है तो डायरेक्ट पी प्रिंट लिखकर ए लिख सकते हैं, और बी को प्रिंट कराना है तो प्रिंट के अंदर बी को लिख सकते हैं डायरेक्ट। इस तरह से आप इनपुट फंक्शन का यूज पाइथन प्रोग्रामिंग में कर सकते हैं। यहाँ पर आउटपुट के थ्रू से भी आपको समझ में आ गया होगा कि इस कैसे इनपुट फंक्शन का यूज होगा इंटीजर में और फ्लॉट में।
आपको वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।